आज का हमारा टॉपिक है लास्ट टॉपिक रेशो के चैप्टर का नंबर फोर्थ। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोस। लास्ट आ गया हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशोस, मतलब इसमें चार टोटल अकाउंटिंग रेशो चार पार्ट में डिवाइड थी, लिक्विडिटी रेशो, सोल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी या टर्नओवर रेशो, लास्ट है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में जो आपको रेशोस निकालनी है, सबसे पहली ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नंबर टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, नंबर थ्री ऑपरेटिंग रेशो, नंबर फोर नेट प्रॉफिट रेशो, एंड लास्ट आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में हमें पांच रेशो सीखनी है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, जीपी रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, एंड लास्ट है आरओआई, आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इसमें जो हमारी तीन रेशोज हैं, इसमें मोस्टली जो कंटेंट्स आपको चाहिए, तीन रेशो का तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, और इन सभी का आंसर आपका परसेंटेज में आएगा। जो आंसर आना है वो किसमें आएगा, इनका परसेंटेज में आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का, जीपी मतलब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, आंसर परसेंटेज में आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला भी सेम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, सेम इसका आंसर भी हमारा किसमें आएगा, परसेंटेज। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला भी सेम है, नेट प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, मतलब हमारे तीन फॉर्मूले तो इसमें बिल्कुल बहुत इजी है, सेम है। जीपी का है जीपी अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। फिर हमारी बात आती है क्या कहते हैं इसकी ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशो की, तो नेट प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो इसके बाद बचता है हमारे पास ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला है आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, या फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट का भी एक अल्टरनेट है हमारा। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलती है हमारी, ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए हमारा फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इस दोनों को भी ऐड करके आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 हमारा फॉर्मूला है ऑपरेटिंग रेशो का। आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो आपको पहले भी मैं करवा सकता था, क्योंकि आपको इसमें कंटेंट जो भी यूज होंगे वो कंटेंट आपको पहले से आते हैं। ये आपका निकलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड
इनटू 100, और इसका आंसर भी किसमें आना है, परसेंटेज में। सभी का आंसर आपको जितनी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं सभी का आंसर आपका किसमें आना है, परसेंटेज में। तो बेसिकली हमारी यहां पर पांच रेशियोज हमें सीखनी है, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जिसमें सभी में सबसे मेन है, कॉमन चीज है, पहले जो चार फॉर्मूलेज हैं उन सभी की परसेंटेज हम बताते हैं किसके कंपैरिजन के साथ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के कंपैरिजन के साथ उन सभी को बताएंगे हम, क्योंकि सभी का जीपी का रिलेशन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना परसेंट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना परसेंट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना परसेंट है, नेट प्रॉफिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना परसेंट है, और जो लास्ट रेशो है आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसके लिए स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड किसके इक्वल होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड दो चीजों से मिलकर बनता है, डेट और इक्विटी। जो हमने सेकंड वाली हमने हरी सॉल्वेंसी रेशियो सीखी थी, डेट और इक्विटी दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में आपको एक चीज निकालनी सिखाई थी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हम पहले से सिखा चुके हैं, कब सिखाया था ये, सॉल्वेंसी रेशियो में। आपको इन दोनों को यूज करना है। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेशियो आरओआई है, मोस्टली पेपर में आरओआई वाली जो रेशियो है वो पूछी जाती है। तो ये तो आपकी है रेशियोस, ये जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में आएंगी, पांच रेशियोस आनी है, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड आरओआई। अब अगर मैं बात करूं इनके कंटेंट्स की, तो कंटेंट्स की अगर बात करूं तो हमारे पास सभी में एक चीज कॉमन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालना है, ये चीज हमने जो पहले वाली क्लास हमारी हुई थी उसमें भी आपको जो क्या कहते हैं हमारी एक्टिविटी रेशियो थी, उन सभी रेशियोज में आपको सिखाया था कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप कैसे निकालो। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स सिखाया जा चुका है, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पहले से पता है, मेन प्रॉब्लम है तो आपको सीखना है आज जीपी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग कॉस्ट और नेट। तो करते हैं इसको स्टार्ट क्वेश्चन से ही। सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं जीपी का, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो का। तो ग्रोस प्रॉफिट पहले से क्वेश्चन में गिवन भी हो सकता है, तो ग्रोस प्रॉफिट के लिए भी आपने एक फॉर्मूला सीखा हुआ है, वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से भी आप जीपी निकाल सकते हो, या फिर जीपी के लिए मेन आपको परसेंटेज भी गिवन कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 11th क्लास में जो चैप्टर था हमारा 21 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें कंप्लीटली आप चाहो तो आपके पास सभी के पास बुक है, आप उनको वहां से पढ़ के भी इसको रिकॉल कर सकते हो कंप्लीटली। उसमें इवनली बता रखा है कि जीपी में कई बार होता है कि बोल देते हैं कि जीपी 25% है कोस्ट का, जीपी 25% है कोस्ट का, या जीपी 30% है सेल्स का, उसके अकॉर्डिंग भी आप और आपको सेल्स या कोस्ट गिवन कर देंगे तो आपको जीपी निकालना है। जैसा कि इलस्ट्रेशन नंबर 99 पे दे रखा है, इलस्ट्रेशन नंबर 99 ओपन कर ले, और जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं ये आपके पेज नंबर 4.62 पेज पर है ये, और जो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के जो क्वेश्चंस बनेंगे वो क्वेश्चंस बनेंगे हमारे 98 to 126, जो आज का आपका होमवर्क बनेगा 98 to 126 का बनेगा। तो 99 क्वेश्चन में हमें गिवन कर रखा है कंप्यूट ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो निकालनी है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सेल्स गिवन कर रखी है हमें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख रुपए है, और जो जीपी है वो 25% है किसका, कोस्ट का। अगर जीपी 25% कोस्ट का है तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक फॉर्मूला में बार बार उसमें बताया था, जो फॉर्मूला मैंने लिख रखा है ऊपर कि जीपी हमेशा किसके इक्वल होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मींस जीपी इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब आपको इस क्वेश्चन ने दे रखा है कि जीपी कितना है, जीपी 25% है और जीपी 25% जिस भी चीज का होता है, वैसे अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो हम सेल्स का ही मानते हैं उसको, लेकिन इस क्वेश्चन ने कह रखा है कि जीपी तो 25% किसका है, कॉस्ट का, तो कॉस्ट को मानोगे आप 100। अब 100 कॉस्ट है और जीपी 25 है, तो इसका मतलब सेल्स कितनी होगी आपकी, 125%। सेल्स आएगी हमारी कितनी, 125%। अब 125% अगर सेल्स इवन है तो आप इसमें कॉस्ट निकाल सकते हो, अपनी कॉस्ट निकालना चाहो तो कॉस्ट भी निकाल सकते हो, और आप चाहो तो अपना जो प्रॉफिट है वो भी निकाल सकते हो। तो उसके लिए बहुत सिंपल है, हमें वैल्यू किसकी गिवन है, 6,00,000 रुपए सिर्फ इसकी वैल्यू गिवन। तो आपको अगर जीपी निकालना है तो कैसे निकालोगे, इस क्वेश्चन में जीपी बहुत ही सिंपल है, जीपी इक्वल टू 6,00,000 अपॉन में 125 × 25। अगर आपको निकालनी है कॉस्ट तो 6,00,000 अपॉन में 125 × 100। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है स्टूडेंट, जब आप ये इक्वेशन फॉलो करते हो तो सबसे पहले तो इसकी परसेंटेज निकाल लो कि कौन सी कितनी परसेंटेज है, उसके बाद जो वैल्यू गिवन है, जैसे यहाँ इसने वैल्यू गिवन कर रखी है सेल्स की, तो सेल्स के अपॉन 125 को लोगे और मल्टीप्लाई उससे करोगे जो चीज आपको निकालनी है, मतलब 6,00,000 को 125 से डिवाइड करके 25 से मल्टीप्लाई करोगे जीपी आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। इसमें हमें चाहिए क्या, हमें ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, ये आ जाएगा 1,20,000 और ये आ जाएगा हमारा 4,80,000। अब इसमें हमारा फॉर्मूला लगा देंगे, हमारे पास जीपी आ गया, हमारे पास सेल्स है, तो जीपी का फॉर्मूला क्या, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो इसमें जीपी 1,20,000 डिवाइडेड बाय 6,00,000 गुणा में 100, 1,20,000 जीपी अपॉन में 6,00,000 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, ये आ जाएगा हमारा 20%। तो क्वेश्चन नंबर 99 में हमारा जो आंसर है वो आएगा 20%। इसी तरह से हमारे जो क्वेश्चंस हैं बाकी क्वेश्चंस होंगे, अगर डायरेक्टली आपको प्रॉफिट गिवन नहीं होगा तो इस वे से आप प्रॉफिट को निकाल सकते हो। अगर ऐसे नहीं निकालोगे तो आपको सेल्स गिवन करेगा क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का भी एक फॉर्मूला अलग से सिखाया था मैंने आपको, कौन सा है, ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी। इस फॉर्मूले से भी आपको यूज कर सकते हो, जैसा कि इलस्ट्रेशन नंबर 101 में गिवन है, जैसा कि इलस्ट्रेशन नंबर 101 में गिवन है, उसको भी देखो बेटा एक बारी। इलस्ट्रेशन नंबर 101 में गिवन है हमें कैश सेल्स दे रखी है, परचेजेस भी दे रखी है हमें, कैरिज इनवर्ड सैलरी, डिक्रीज इन इन्वेंटरी, रिटर्न आउटवर्ड वेजेस, रेशियो कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स की रेशियो 1/3, उसके साथ उसको 4 times कर दोगे तो आपकी जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल जाएगी। तो इसने ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लिया, ग्रोस प्रॉफिट अकाउंट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। अब सबसे पहले तो इसमें सेल्स निकाल ली इसने 1,00,000 रुपीज की, कैसे निकाली, 25,000 प्लस 25,000 इनटू 3/1, तो ये आ गया 75,000, 1,00,000 आ गई सेल्स। अब सेल्स पता है तो नेट परचेजेस कैसे निकाली, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज माइनस रिटर्न आउटवर्ड। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू के लिए इसने क्या किया, परचेजेस प्लस ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी, और इसके बाद आपका आ गया 90,000, मतलब
90,000 है कॉस्ट और सेल्स है 1 लाख, 1 लाख सेल्स में से 90,000 माइनस कर दो, जीपी आएगा 10,000, जीपी है 10,000, जीपी 10,000 है और हमारी सेल्स 1 लाख थी, तो हमारी इसमें जीपी परसेंटेज आ जाएगी 10% इन क्वेश्चन नंबर 101। अब क्वेश्चन करते हैं कुछ नेक्स्ट रेशो का, ऑपरेटिंग रेशो का। ऑपरेटिंग रेशो से रिलेटेड कंटेंट्स आपके पेज नंबर 4.67, पेज नंबर 4.67 पर गिवन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना भी 11th क्लास में आप सभी ने सीख रखा है कि कैसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं। तो बेसिकली मैं आपको एक बार बता भी दूं कि सबसे पहले आता है ग्रोस प्रॉफिट, उसके बाद अगली स्टेज में आता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और उससे लास्ट स्टेज में आता है हमारा नेट प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आप जीपी से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल रहे हो, अगर आप जीपी से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल रहे हो तो क्या करोगे, जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जीपी में से क्या कर दोगे आप, अगर जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और अगर आप एनपी से नेट प्रॉफिट से अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट में ऐड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। अगर नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आना है तो नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करना है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करना है, और ग्रोस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाना है तो जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करना पड़ेगा। या इसका एक अलग से फॉर्मूला भी है, वो क्या है हमारा, वो अगले वाली रेशो में भी यूज करना है, वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। और ये ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब इस रेशो में और अगली रेशो में ये दोनों चीज आपको यूज कर, सारी की सारी चीजें जो आपके सामने बोर्ड पे नजर आ रही है फॉर्मूले, कोई भी फॉर्मूला आपका यूज हो सकता है। तो इसका करते हैं क्वेश्चन, आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 106 पे, 106 क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है। में हमें दो चीजें तीन चीजें गिवन कर रखी हैं, COGS दे रखा है क्वेश्चन में 6 लाख, द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 8 लाख और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे 40,000। एक चीज और रिलेशन मैं आपको बता दूं कि आपने एक तो सीखनी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और एक है आपकी ऑपरेटिंग रेशो। एक चीज और बता दूं, इन दोनों को मिलाकर बन जाती है 100%। एक और मजे की बात है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और ऑपरेटिंग रेशो दोनों मिलाकर 100% बन जाती है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो में आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रिलेशन सेल्स के साथ दिखाते हो और ऑपरेटिंग कॉस्ट में, ऑपरेटिंग रेशो में आप ऑपरेटिंग कॉस्ट को
का रिलेशन आप किसके साथ दिखाते हो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट, दोनों का टोटल करके ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बनता है। एक फॉर्मूले में तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रिलेशन बता रहे हो रेवेन्यू के साथ, और एक क्वेश्चन में आप ऑपरेटिंग कॉस्ट का रिलेशन बता रहे हो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ, जो अगली दोनों रेशियो है उसमें यही है सेम। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिखाना है, इस वाले क्वेश्चन में तो आपको बतानी है ऑपरेटिंग। अब इसमें दोनों रेशियो बता देता हूं मैं कैसे निकालोगे। अगर मैं इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करूं, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है इस क्वेश्चन में हमारी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो ये आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई 6,40,000। और अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, वो कैसे निकालोगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8,00,000 माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट 6,40,000, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 8 में से ये 1,60,000। तो इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग कॉस्ट 6,40,000 है और जो आपकी क्या कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट 6,40,000 है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 1,60,000 है। अगर आपको आप ऑपरेटिंग रेशियो निकालनी है तो 6,40,000 अपॉन में, अगर आपको ऑपरेटिंग रेशियो निकालनी है तो 6,40,000 अपॉन में 8,00,000 इनटू 100 करके निकाल लोगे। और अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालनी है तो 1,60,000 अपॉन में 8,00,000 इनटू 100 करके भी निकाल सकते हो। और दोनों रेशियो जो आएंगी उन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो 100 आ जाएगा। एक फॉर्मूला और भी हमारा निकलता है, अगर आपको क्वेश्चन ने पूछा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाल दो और आपके पास ऑपरेटिंग रेशियो पहले से गिवन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालनी है और ऑपरेटिंग रेशियो गिवन है तो 100 में से उसको माइनस कर दो, आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मिल जाएगी। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालनी है, ऑपरेटिंग रेशियो गिवन है तो भी निकाल सकते हो, ऑपरेटिंग रेशियो निकालनी है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो गिवन है तो भी कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों रेशियो को मिलाकर जो वैल्यू बनती है वो बनती है हमारी पूरी कंप्लीटली 100। ये ऑपरेटिंग रेशियो का ही फॉर्मूला था हमारा 106, 107 भी हमारा ऑपरेटिंग रेशियो का ही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला ही मैंने बताई दिया, ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों सेम है, दोनों को मिलाकर टोटल 100 आता है। अब आप आ जाओ नेट प्रॉफिट पे, वन हंड्रेड एटीन इलस्ट्रेशन पे हमें क्या क्या गिवन कर रखा है, हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, इसकी तो हमें जरूरत ही है 5,00,000 रुपए। उसके बाद हमें जीपी दे रखा है, ग्रोस प्रॉफिट है हमारे पास 2,00,000 रुपए। अगर जीपी रेशो पूछेंगे तो जीपी रेशो मेरे तो इससे निकल जाएगी हमारे पास, बाकी इसने हमें एक्सपेंसेस दे रखे और इनकम दे रखी है। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना है, जीपी में मैं प्लस कर दूंगा मेरी इनकम, एक ही इनकम है 60,000 की, और माइनस कर दूंगा 45,000 सैलरीज एंड वेजेस, और माइनस कर दूंगा 10,000 एडवर्टीजमेंट, और माइनस कर दूंगा 5,000 इंटरेस्ट, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा 45, और ये 5,50 और 10 60 2,00,000 ही आ जाएगा। हमारा नेट प्रॉफिट भी कितना आ जाएगा इसमें 2,00,000 रुपए आ जाएगा। और फिर फॉर्मूला जो निकालना है, 2,00,000 नेट प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, तो इसमें आंसर आ जाएगा हमारा 40,000। नेट प्रॉफिट रेशो आएगी इलस्ट्रेशन नंबर 118 में 40%। 119 भी देख लो बेटा, 119 में
119 में भी आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहले से गिवन है 8 लाख। अब यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो गिवन कर रखी है 25%, ऑपरेटिंग रेशियो गिवन कर रखी है 90%। ऑपरेटिंग रेशियो अगर 90% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 10%। अगर ऑपरेटिंग रेशियो 90% है, मैंने बताया था 100 में से उस 90 को माइनस कर लो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है हमारा 10%, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10% है तो किसका है 8 लाख रुपए का कितना आएगा 80,000। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अगले क्वेश्चन में बहुत सिंपल है कि सबसे पहले आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मैंने बताया था आपको अगर आपकी ऑपरेटिंग रेशियो 90% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आपकी है 100 माइनस 90, 10%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आएगा 8 लाख का 10% 80,000। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको मिल गया 80,000, तो आप उस पे कैसे जाओगे, नेट प्रॉफिट पे कैसे जाओगे, आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दो और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर दो। अब इस क्वेश्चन ने दे रखा है हमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 4,000 माइनस 4,000 और नॉन ऑपरेटिंग इनकम है 44,000 प्लस 44,000 1,20,000 नेट प्रॉफिट आ गया 1,20,000 और सेल्स गिवन कर रखी है, ये अगला क्वेश्चन बेटा ये के साथ मत रिलेट, और सेल्स दे रखी है हमें 8 लाख की, तो 1,20,000 अपॉन में 8 लाख इंटू 100 15%। इस तरीके से आपके नेट प्रॉफिट के क्वेश्चंस निकलेंगे। अब लास्ट बचता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड को लेकर मैं पहले बता ही चुका हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड मींस होता है डेट और इक्विटी, जो भी आपके इक्विटी शेयर होल्डर फंड मोटर डेट और अपना इक्विटी को दोनों को अगर ऐड करोगे तो आपका बन जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको पहले से ही निकालना सिखा रखा है कि कैसे उसको निकालना है, तो इससे आप इजीली जो आपके क्वेश्चन है 98 से 126 के इजीली आप कर सकते हो।